अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब बताइए प्रकाश का अपवर्तन में हमने क्या पढ़ा? जब प्रकाश, अब मान लेते हैं ये एक कोई माध्यम U1 है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, इधर एयर है, इधर कुछ और है। जब प्रकाश यहाँ से किसी सतह पर आपतित होती है तो या तो जब प्रकाश विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर भाग जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश के अपवर्तन में क्या नहीं बदलता है? अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में क्या नहीं बदलता है, तो तीन चीज हो, तीन चार चीज होता है। एक होता है पथ, पथ मतलब समझता है रास्ता, और एक होता है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, और एक होता है आवृत्ति, एक होता है आयाम। तो देखो, अब प्रकाश अगर जो सघन से विरल से विरल से सघन में जाए, सघन में जाए तो क्या होगा? उसका पथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? पथ मतलब रास्ता, जिस रास्ता से प्रकाश जा रहा था उसी रास्ता से जाएगा कि पथ चेंज हो जाएगा? अगर जो सघन से कहां जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, आप बताइए ये अगर जो सघन में जाएगा बताओ पथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आप बताओ ये विरल है ना, इधर क्या है? विरल। ये क्या है? आप बताओ पथ बदल रहा है, पथ बदल रहा है, पथ बदल रहा है। पथ देखो ये इस रास्ते में आ गया, अभिलंब ये है, ये आ गया इस रास्ते में, अभिलंब की तरफ झुक गया, लेकिन जाना किधर चाहिए था? सही जाना चाहिए था। पथ बदलेगा, पथ बदलेगा, पथ बदलेगा। अब बताओ तरंग दैर्ध्य बदलेगा? तरंग दैर्ध्य, तुम रोड पे दौड़ रहा है, एकाएक रोड पे ठेगुना भर पानी आ गया, तो क्या तरंग दैर्ध्य बदलेगा? तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है तुम्हारा डेक का लंबाई, डेक का लंबाई। तुम डेक पे रोड पे चल रहा है, रोड पे तुरंत ठेगुना भर पानी आ गया, तो डेक का लंबाई वही होगा कि कम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पानी में दौड़ रहा है, अब पानी में दौड़, पानी क्या है? पानी है, पानी है, पानी में दौड़ रहा है, पानी से दौड़ते दौड़ते तू हवा में आ गया, बताओ डेक का लंबाई वही होगा कि चेंज हो जाएगा? बढ़ जाएगा डेक का लंबाई, बढ़ जाएगा। विरल से अगर जो हवा में चल रहे हैं और पानी में घुसेंगे, विरल से सघन में जाएंगे, तो बताओ डेक का लंबाई, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। डेक का लंबाई क्या होगा? घटेगा, घटेगा। आवृत्ति, आयाम क्या होगा? आवृत्ति हमेशा अपरिवर्तित रहता है। तुम्हारा दिल का धड़कन, देखो सबसे पहले पथ मतलब रास्ता, तरंग दैर्ध्य मतलब तुम्हारे डेक का लंबाई, डेक का क्या चीज? लंबाई। और आवृत्ति मतलब हो गया तुम्हारा दिल का धड़कन, तुम्हारा दिल में धड़कन है ना, दिल का धड़कन। और आयाम मतलब हो गया तुम्हारा डेक का ऊंचाई, आयाम मतलब क्या हो गया? डेक कितना ऊंचा मार रहे हैं हम। अब बताओ विरल से अगर जो सघन में जाएंगे तो पथ तो बदल जाएगा, तरंग दैर्ध्य घट जाएगा, आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगा। अब बताओ विरल से अगर जो सघन में जा रहे हैं तो डेक का ऊंचाई बढ़ेगा कि घटेगा? बड़ा होगा डेक की, कम होगा? छोटा होगा। डेक का लंबाई बड़ा होगा कि छोटा होगा? जितना पानी में जाते हैं उतना डेक को उठा के तब ऊपर से जाना पड़ता है। तो डेक का लंबाई बढ़ेगा कि ऊंचाई बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ऊंचाई क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ऊंचाई क्या होगा? बढ़ेगा। ऊंचाई बढ़ेगा जबकि तरंग दैर्ध्य घटेगा, तो ऊंचाई क्या होगा? डेक का ऊंचा ज्यादा डेक मारेंगे। अब बताइए अगर जो हम लोग सघन से विरल में जाते हैं, सघन से विरल में जाते हैं, सघन से विरल में जाते हैं, तो पथ तो बदलेगा, पथ तो पक्का बदलेगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब सघन से विरल, पानी में दौड़ रहे हैं, रोड पे आ गए, हवा में आ गए, तो डेक का लंबाई बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। डेक का लंबाई क्या होगा? बढ़ेगा। आयाम क्या होगा, सॉरी आवृत्ति क्या होगा? तुम्हारा दिल का जो धड़कन है ये बढ़ेगा कि घटेगा?
तुम्हारा दिल का धड़कन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अपरिवर्तित, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप बताइए, आयाम बढ़ेगा कि घटेगा? डेक का ऊंचाई, रोड पे डेक का ऊंचाई ऐसे ऐसे करके डेक का ऊंचाई क्या होगा? घटेगा। कहने का मतलब है कि तुमको अरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि वहां पर जाओ, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन में